वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह सुबह से ही, और सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ और मैंने पूजा पाठ भी कर दिया है क्योंकि आज है जन्माष्टमी। बना रही है कुछ लोगों ने जन्माष्टमी पिछले कल बना लिया, कुछ आज बना रहे हैं, तो मैं भी आज बना रही हूँ। और आज है मेरा फास्ट, तो मैंने सुबह सुबह ही पूजा कर ली है और मेवों का भोग भगवान जी को लगा दिया है। सारे घर की साफ सफाई भी कर दी है और किचन भी बिल्कुल साफ कर दिया है। और अनुज और अर्श कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अभी मैं कर रही हूँ श्री भगवान जी को जो भोग लगेंगे उनकी तैयारी, जिन्हें हम पाग भी कहते हैं। मैंने पहले इन्हें नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोचा जन्माष्टमी वाले दिन व्रत होगा तो कोई घर के और काम नहीं किए जाएंगे, तो आराम आराम से कुकिंग करती रहूंगी। तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने जो भी मुझे मेवे चाहिए थे, मेवे, काजू और ये कुछ सीड्स और ये कुछ धनिया, क्योंकि धनिया पंजीरी भी श्री कृष्ण भगवान जी के भोग में जरूर होती है, और मखाने, कोकोनट, और ये है मेरे पास कुछ गरीक का कोकोनट का बुरादा भी है। तो मुझे अब जैसे ये चाहिए, कुछ मैंने काटने हैं, कुछ मुझे काट के भी चाहिए, कुछ मुझे साबुत भी चाहिए, तो मैं गोला वगैरह उनको जो है कद्दूकस कर लेती हूँ और अपने भोग की अब तैयारी करने शुरू करती हूँ। और अर्श कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई। अर्श झूठा नहीं, मैं हाँ पता है झूठा नहीं करता बेटा, ये भोग का है। ओके। और अभी ये कर रहा है अपना होमवर्क, तो इसको भी साथ साथ में होमवर्क। कौन सी मिठाई बना रहे? भगवान जी की मिठाई। भगवान बनाओगे फिर खाएंगे? बेटा भोग लगाते हैं ना, फिर आप खा लेना। आप भी तो छोटे से कृष्ण ही तो है। किचन में तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ जो गरी का बुरादा होता है उसका पाक। तो उसके लिए मैंने एक बॉल गरी का बुरादा और उतना ही दूध और उसके हाफ चीनी ले लिए है। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन कढ़ाई और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, जिसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी। और अब मैं करूँगी बनाने स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है ना, मैं इसमें डालूँगी गरी का बुरादा और इसको थोड़ा अच्छे से भून लूंगी, इतना भूनना कि इसका कलर चेंज ना हो और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की खुशबू आने शुरू हो जाए। पर इसको ना भूनते टाइम बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि जरा सा छोड़ा और हो जाएगा इसका काम तमाम, ये ना बिल्कुल नीचे लग जाएगा। तो इसलिए इसको जब इसको भूनना है तो बिल्कुल इसी पे ध्यान देना है, या कोई दूसरा काम करना है तो पहले गैस को बंद करना है। बुरादा मेरा अच्छे से भून गया, अभी मैंने इसमें दूध भी ऐड कर दिया है। अभी इसको फिर से अच्छे से चलाते रहूंगी जब तक इसका दूध जो है ना सोख नहीं लेता है। तो मेरा पाग जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी है, इसको मैं जमने के लिए अब रख दूंगी प्लेट में और कर दूंगी इसे पाग की तैयारी। मेरे हो गए हैं फ्राई, आप ही नहीं खाना है, तेरे को ही दूंगी खाने को। खाने को भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे फ्राई। और यहाँ पे मैंने अपनी चाशनी भी रख दी है रेडी होने के लिए, इसलिए मुझे चाहिए थी एक ग्लास पानी, आधा ग्लास पानी और एक कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा चीनी। धनिया पंजीरी के लिए धनिया को भी हल्का हल्का मैं भून लूंगी, फिर इसको एक बर्तन में लगा के थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर सीख दूंगी। मैं बना रही हूँ श्री कृष्ण भगवान जी का सबसे फेवरेट भोग, मावा भोग। और मैंने ये कुछ कोकोनट कद्दूकस कर लिया था, उसको भून लिया है। अब मैं इसमें करूंगी चाशनी एड, फिर सारे ड्राई फ्रूट डालूंगी। मेवा पाक भी मेरा अच्छे से बन के रेडी हो गया है, बस मैं इसको थोड़ा पका लूंगी अच्छे से, क्योंकि अभी मैंने इसको चाशनी में ऐड किया है। इसमें मैंने कोकोनट, मखाने, बादाम, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप कर डाल सकते हैं, और ये जितने भी भगवान जी के भोग है ना बहुत जल्दी और अच्छे से बन जाते हैं।
और खाने में भी बहुत हेल्दी होते हैं। देखिए मेरा भोग बनके रेडी हो गया है और इसको भी मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। सारे भोग बना दिए हैं, नारियल के लड्डू, मेवे का पाग और मखाने का पाग और जो धनिया की पंजीरी बनाई जाती है फ्रूट्स बना के, ड्राई फ्रूट्स डाल के वो सब मैंने बना दिया है। धनिया पंजीरी के लिए मैंने धनिया को फिर मिक्सी में अच्छे से पीस लिया और चीनी भी, बुरादे वाली चीनी इसमें ऐड की और सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए और आप इसको कितने एक हफ्ता भी रख कर आराम आराम से खा।